इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आरक्षण के मुद्दे पर पूरे बांग्लादेश में हिंसा जारी है। हिंसा के कारण 105 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है और वहीं 2500 से ज्यादा लोग घायल हैं। वहीं बांग्लादेश के हालात इतने खराब हैं कि पूरे देश में अब सेना सड़कों पर उतर आई है। साथ ही पीएम ने पूरे देश में कर्फ्यू लगाने की घोषणा भी की है। वहीं बढ़ती हिंसा को देखकर अब तक 405 भारतीय स्टूडेंट्स भी वापस देश में लौट आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आरक्षण के मुद्दे पर पूरे बांग्लादेश में हिंसा जारी है। हिंसा के कारण अभी तक 105 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 2500 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आरक्षण के मुद्दे पर पूरे बांग्लादेश में हिंसा जारी है। हिंसा के कारण 105 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है और वहीं 2500 से ज्यादा लोग घायल हैं। वहीं बांग्लादेश के हालात इतने खराब हैं कि पूरे देश में अब सेना सड़कों पर उतर आई है। साथ ही पीएम ने पूरे देश में कर्फ्यू लगाने की घोषणा भी की है। वहीं बढ़ती हिंसा को देखकर अब तक 405 भारतीय स्टूडेंट्स भी वापस देश में लौट आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आरक्षण के मुद्दे पर पूरे बांग्लादेश में हिंसा जारी है। हिंसा के कारण अभी तक 105 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 2500 से ज्यादा लोग घायल हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आरक्षण के मुद्दे पर पूरे बांग्लादेश में हिंसा जारी है। हिंसा के कारण 105 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है और वहीं 2500 से ज्यादा लोग घायल हैं। वहीं बांग्लादेश के हालात इतने खराब हैं कि पूरे देश में अब सेना सड़कों पर उतर आई है। साथ ही पीएम ने पूरे देश में कर्फ्यू लगाने की घोषणा भी की है। वहीं बढ़ती हिंसा को देखकर अब तक 405 भारतीय स्टूडेंट्स भी वापस देश में लौट आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आरक्षण के मुद्दे पर पूरे बांग्लादेश में हिंसा जारी है। हिंसा के कारण अभी तक 105 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 2500 से ज्यादा लोग घायल हैं।